दिल्ली और NCR समेत पूरे उत्तर भारत में बुधवार दोपहर भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। 12:40 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई। भारत में कहीं से भी किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सीमा के पास था। वित्त मंत्री अरुण जेटली कल यानी 1 फरवरी को मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगे। GST और नोटबंदी से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था से प्रभावित लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। महाराष्ट्र के अलीबाग में शाहरुख खान के एक फार्म हाउस को आयकर विभाग ने सील कर दिया है। यह कार्रवाई बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम के तहत की गई है। आरोप है कि इस फार्म हाउस का निर्माण कृषि भूमि पर हुआ है, जो कि कानूनन गलत है। यूपी के कासगंज में हुई हिंसा के दौरान मारे गए युवक की हत्या के मुख्य आरोपी सलीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 सगे भाइयों सलीम, नसीम और वसीम को मुख्य आरोपी बनाया है। अन्य 2 भाई अभी फरार हैं। वहीं यूपी सरकार ने इस मामले की जांच STF को सौंप दी है।